शहर के अंदर चारों तरफ कूड़े के ढेर हैं और आपका ये समझ लो लोगों ना साफ पानी मिल पाता है, चारों तरफ गंदगी है, ना महिलाओं की सुरक्षा का कोई जिम्मा है किसी तरह का। जैसे कि आपने कहा है कि 20,000 लीटर हर परिवार को आप पानी मुहैया करवाएंगे, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, किस प्रकार आप ये प्रोसेस करेंगे? कन्वर राणा जी, क्या आप हमें उस सड़क में लेके चलिए जो उनसे आपने बनवाई है। राठी जी, अगर आप जीतते हैं, सत्ता में आते हैं, तो सबसे पहले किन किन कार्यों को प्राथमिकताएं देंगे? नमस्कार, मैं हूं अवनी चौधरी और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, इन दिनों चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव का दौर शुरू हो गया है, सभी पार्टी अपना कैंपेन में जुटी हुई हैं। तो वहीं आपको बता दें, अगर टोटल प्रत्याशी की बात करें, 203 टोटल प्रत्याशी हैं, सभी के बीच कड़ा मुकाबला है। इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 33 में, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे आप पार्टी के शादाब जी से, उनका क्या कुछ कहना है, किन किन मुद्दों को लेकर वो मैदान में उतरे हैं, आइए बात करते हैं। शादाब राठी जी, आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको आप पार्टी की ओर से टिकट मिला है। आप किन किन मुद्दों के साथ इस बार मैदान में उतरे हैं? हम अब जो मुद्दे उतरे हैं, हमारे जो मुद्दे हैं वो एक आम आदमी के लिए हैं, जैसे अपना रेडी के लाइसेंस वगैरह होते हैं, और जो हमारा शहर के अंदर चारों तरफ कूड़े के ढेर हैं और आपका ये समझ लो लोगों ना साफ पानी मिल पाता है, चारों तरफ गंदगी है, ना महिलाओं की सुरक्षा का कोई जिम्मा है किसी तरह का। तो आम आदमी पार्टी इन सब वादों को वो करेगी अपना, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कैमरे हैं, कूड़े के ढेरों से निजात दिलाएंगे, 20,000 लीटर हम सब हर परिवार को पानी का वो कराएंगे, मुहैया कराएंगे। जैसे कि आपने कहा है कि 20,000 लीटर हर परिवार को आप पानी मुहैया करवाएंगे, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, किस प्रकार आप ये प्रोसेस करेंगे? ये जो सेंटर हाई कमान जो हमारे मेयर बनेंगे उस टाइम पे बैठ के एक डिस्कस करेंगे हमारे सीनियर लीडर्स, उस हिसाब से फिर हमारे परिवार को 20,000 लीटर पानी, जो पानी चोरी हो रहा है उसे बचा के हम लोगों को मुहैया कराएंगे। अगर बात की जाए बीजेपी पार्टी की, कहीं ना कहीं किसान आंदोलन से उनकी छवि पर असर पड़ा है, तो वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी में इस साल इतने फेरबदल हुए, तो कहीं ना कहीं उनकी भी छवि पर असर पड़ा है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पता है क्या है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं थी, बीजेपी से परेशान हुए कांग्रेस को चुन लिया, कांग्रेस से परेशान हुए बीजेपी को चुन लिया। अब केजरीवाल जी ने चंडीगढ़ के एंट्री कर ली है, अब इन दोनों का मामला बिल्कुल साफ है। कांग्रेस पार्टी ने आपको बीजेपी पार्टी की बी पार्टी कहा है, वो तो एक दूसरे पे इल्जाम लगाना उनका काम है, और कोई काम ही नहीं है, किसी तरह का कोई मुद्दा ही नहीं है। उन्होंने कोई राशन नहीं बटवाया, सारा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से था, अपने पास से उन्होंने कोई काम नहीं किया है। मैं खुद 2 महीने यहाँ पे हर घर में गया हूँ, हमारा 1600-1800 बंदों का खाना तैयार होता था, हम हर घर पहुँचाते थे। एक भी बेड़ा अगर कोई ये कह दे कि यहाँ पे किसी पार्षद ने हमारे यहाँ किसी का राशन भिजवाया है, किसी को कुछ भिजवाया है, उनका उन्होंने अपने वहाँ पर ही सीमित रखा है जहाँ उनका वोट बैंक था, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो खाना आता था वो बढ़ता था। उनका कहना था कि हमने सड़कें भी बनवाई हैं और अनेक कार्य भी कराए हैं, पहले तो यहाँ का हाल बहुत पेचीदा था। उन्हें ये बोली आप जो हमारे मौजूदा पार्षद हैं कन्वर राणा जी, कि आप हमें उस सड़क में लेके चलिए जो उनसे आपने बनवाई है। आप बड़ैल की गलियों में जाके देखो, ऐसी कोई गली नहीं होगी जो खुद ही नहीं है, सारा ही गड्ढा भरे पड़े हैं चारों तरफ, आप जाके देखो अंदर। उन्हें कहो हमारे साथ चलो, आप हमें दिखाओ कौन सी गली तैयार कराई है आपने। राठी जी, अगर आप जीतते हैं, सत्ता में आते हैं, तो सबसे पहले किन किन कार्यों को प्राथमिकताएं देंगे? को जी, अगर हमारे यहाँ पे हम मेयर बनाएंगे अपना चंडीगढ़ में, और हम जीतने के बाद जो एक अपना गड्ढा मुक्त चंडीगढ़ करेंगे और कूड़े के ढेरों से निजात दिलाएंगे, और जो छोटी छोटी समस्याएं लोगों की हैं वो सबसे पहले दूर करेंगे। जैसे स्कूल में प्रॉब्लम है सबके बच्चों के, सरकारी स्कूल में आज के टाइम में मैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि वहाँ के हालात देखोगे आप, आपको खुद पता चल जाएगा क्यों पढ़ाऊँ, हमने वो प्राइवेट से बेहतर करने हैं, और हॉस्पिटल्स वगैरह में जो भी दवाई है, टेस्ट वगैरह है, वो सामने हमने निःशुल्क कर देने हैं। अगर बात करें जनता की, तो आम जनता का कहना है जब भी चुनावी दौर आता है तो अनेक पार्टी के उम्मीदवार आते हैं, अनेक आश्वासन भी देके जाते हैं, वायदे भी करते हैं, लेकिन जैसे ही वो जीत जाते हैं उसके बाद वो उनको अगर फ़ोन भी करें तो फ़ोन भी उठाना रिसीव करना ज़रूरी नहीं समझते वो। पता है क्या है, पार्टी आती है जहाँ आज चुनावी दौर चल रहा है, हर नेता आएगा वादे करेगा, लेकिन हम गारंटी दे रहे हैं, हम लोगों को गारंटी दे रहे हैं इन चीज़ की, अगर हमने एक साल तक के अंदर कोई काम नहीं किया तो हम अपना पार्षद पद का पद छोड़ देंगे। हमारी पार्टी की तरफ से ये भी है कि अगर हमारा पार्षद कोई काम नहीं करेगा हम उसके घर के बाहर धरना देंगे। हम वादा नहीं कर रहे, हम तो गारंटी दे रहे हैं।
अपने वार्ड वासियों से कोई अपील करना चाहेंगे आप? मैं अपने वार्ड वासियों से हाथ जोड़ के अपने गांव वासियों से यही अपील करना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट करें। पूरे चंडीगढ़ में जहां भी आपके रिलेटिव हैं, आम आदमी पार्टी को जिताएं और चंडीगढ़ में केजरीवाल जी को लेके आए। और 19 तारीख को इतवार के संडे के दिन केजरीवाल जी आ रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप उन्हें सुनने के लिए पहुंचे और आम आदमी पार्टी को चंडीगढ़ में जिताएं। सर, इसका कारण प्रशासन भी है और जो मौजूदा हमारे जो नेता वगैरह होते हैं, ये चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ना हमारे यहाँ महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज़ है। हमने इन्हीं मुद्दों पे काम करना है, इन्हें जड़ से ख़त्म करना है इन चीज़ों को ना। जैसे कि आपने सुना ही होगा, राठी जी का कहना है आम आदमी पार्टी पहली बार चंडीगढ़ में उतरी है, एक बार लोगों उस पर विश्वास करके देखे, वे अपने पूर्ण रूप से अपने कार्य में अपनी सहमति देंगे, भागीदारी देंगे। ऐसी कुछ अहम खबरों को जानने के लिए बने रहिए अर्थप्रकाश टीवी पर। मैं अवनी चौधरी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।